इस बार की दिवाली पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त रहने वाली है, क्योंकि इस बार ग्रीन कैकर ही मार्केट में उपलब्ध है और ग्रीन कैकर ही बिक रहा है। मैं आ गया हूँ गुप्ता फायर वर्क्स, देख सकते हैं इनका, कह सकते हैं ध्येय वाक्य कह सकते हैं, नेताजी पटाखे वाले बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं काकोरी पटाखा मंडी में। किसी से पूछेंगे आप इनकी शॉप पर लेकर आके आपको छोड़ देंगे। देख दिखाते हैं पूरी शॉप क्या सारी चीज़ें आप सभी लोग आके ले भी सकते हैं। तो भैया अभी क्या दिखा रहे हैं? हमें चक्कर है। ओके, चक्री है। ओके, ये अनार है। अनार, अच्छा अनार है। ये दोनों ग्रीन पटाखे हैं। हाँ, ग्रीन पटाखे। क्या कीमतें हैं इसकी? 250 रुपये डिब्बा है। ये 350 रुपये 350। कितने पीस होंगे इसमें? 10 इसमें है, 10 इसमें। अच्छा, इन सबको क्या ऑफर दी? जैसे ये आपने कितने का? ये 90 का है, 120 का है। ये सारे क्या रेट में, छोटे बड़े सारे? ये 120 का ये भी है, ये 90 रुपये का है, ये 80 रुपये का है। छोटे की बात करिए, पूरा पैकेट 40 रुपये का। अच्छा, कुछ नया मुझे नज़र आ रहा है, जैसे ये है, ये क्या चीज़ है? अनार बम है। 70 रुपये डिब्बा। 70 रुपये। ये बड़े वाले अनार जो है, बड़े ग्रीन साफ रख से। ये क्या है? अनार। अच्छा, कुछ नया आइटम नहीं दिख रहा है तो? यहाँ से चले ना, और यहाँ से अनार का क्या प्राइस है? 650 रुपये का। 650 रुपये। ओके, ये बड़ा वाला अनार कितने का पड़ रहा? 90 रुपये का। 90 रुपये। ये फुल जड़ी क्या रेट है? जैसे आप थोड़ा एक ओवर भी बता रहे हैं फुल जड़ी का। यहाँ से फुल जड़ी का ये 60 रुपये की है, 35 की है ये वाली। हाँ, ये भी 60 की है, 35 की है, 40 की है। 40 की है। और ये बुलेट है, इनका क्या रेट चल रहा है? 20 रुपये का है। 20, 30, 40, 45 ग्रीन ये वाला। ये वाला 60 रुपये का डब्बा। 60 रुपये डब्बा। अच्छा, भैया ये बताएं, जैसे इस बार कौन से पटाखे ज़्यादा बिक रहे हैं, या कौन लेकर जा रहा है, कौन से पटाखे आपके बात करी है? डिमांड किस चीज़ की? सबसे ज़्यादा फैंसी टी शॉर्ट, मल्टी, 120 शॉर्ट, ये कोई दिखाने के लिए। इस समय आप ये लेने आते, सबसे सस्ता पटाखा की बात करी जाए, सबसे कम रेंज का वो कौन सा मिलेगा? फुलझड़ी होती है। फुलझड़ी सबसे सस्ती है। 40 रुपये का बंडल होता है। बंडल में कितने पैकेट होते हैं? ये ऐसी 10 डिब्बिया 40 रुपये में। 40 रुपये। अच्छा, जैसे कोई अगर लेता है, बाहर लेता है, रिटेल में हम लोग बाहर लेते हैं, उसके दाम में और यहाँ के दाम में क्या डिफरेंस होता है? 50% का डिफरेंस होता है। कल मिलेगा, 50% कम मिलेगा यहाँ पे। कितने अभी कैन वाला बड़ा डिफरेंस है, का लड़का है वो आपको सब दिखा देगा। क्या बोल रहे? नाम ले लेना मुकेश। सो इनकी शॉप पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आके ले सकते हैं। यहाँ पर लोग देखें, बहुत सारे लोग लेके यहाँ पर जा रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखें, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी, सबसे ज़्यादा वैरायटी उनकी शॉप पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे अनार लगे हुए हैं, सारा अभी बिजी है, क्योंकि जानते ही मार्केट का माहौल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लेने, खरीदारी करने आ रहे हैं सभी लोग। कोई ना कोई भाई लखनऊ से आया या बाहर से आए हैं, सभी लोग यहाँ पर खरीदारी करने। यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे आइटम यहाँ पर आए हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर वैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, नहीं बहुत सारे ये दिखा रहे हैं क्या भाई? अच्छा, बोलता है कितने रुपये का भैया? 65 रुपये डिब्बा। हाँ, 65 रुपये डिब्बा। अच्छा, 65 रुपये डिब्बा देखने वाले हैं। ओह भाई, ले तो ले लो ना।
क्या अभी वही वाला? हाँ वही ये तो ऊपर जाएगा ना, नहीं अनार ये भी। अच्छा ये भी अनार ही है, ठीक है। बड़ा अलग डिजाइन के इस बार अनार आया हुआ है। कितने रुपए डब्बा है? तो कितने रुपए डब्बा अभी? ये भी 650 का, ये भी 650। कलर मेहताब? कलर मेहताब भी तो बहुत ही बड़ा मेहताब है, मोटा मेहताब है। कितनी देर चलेगा लगभग? आना बहुत भीड़ है, मिलने 20-25 सेकंड चलता है। ओके 450। ये मेहताब बहुत ही अलग है, जल्दी काम हो जाए। अलग अलग कलरफुल कलर के मिलेंगे। शॉप का आना है सर, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण गुप्ता। ओके सर, सर ये बताएं इस बार की दिवाली कैसी रहने वाली है और आपकी शॉप पे क्या क्या सारी चीज़ें मिल जाएंगी कोई अगर आता है? इस बार की दिवाली पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त रहने वाली है, क्योंकि इस बार ग्रीन कैकर ही मार्केट में उपलब्ध है और ग्रीन कैकर ही बिक रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और के द्वारा अप्रूव्ड है। ओके, और आपको दुकान पर कोई आता है तो क्या क्या चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी, क्या क्या लेकर जा सकता है, और क्या आपकी दुकान पे होलसेल वाले ही आके ले सकते हैं, रिटेल वाले भी कह सकते हैं? होलसेल रिटेल दोनों हमारी दुकान पे आके लेते हैं, लेते हैं। और सभी लोगों की डिमांड ग्रीन कैकर की है, ग्रीन कैकर ही सब इस बार बन के आया है। वही क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत सारे लोग खरीदारी करने आ रहे हैं कि नहीं इस बार? हाँ बिल्कुल खरीदारी करने आएंगे लोग। दीपावली हर्षोल्लास से मनाई जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी सरकार में दीपावली का त्यौहार बड़े जश्न के साथ और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। तो किसी प्रकार की कोताही हम लोग भी नहीं करेंगे, ना सरकार कर रही है, सरकार सहयोग कर रही है, इसलिए बहुत बढ़िया मटेरियल में और जो पहले बनता था उसमें डिफरेंस है। इसलिए रेट का बड़ा वेरीफिकेशन, रेट ज़्यादा बढ़े हुए ज़्यादा है। जैसे कि अभी कोई रिटेल में लेता है वहाँ के रेट में, यहाँ की काकोरी आपकी शॉप में क्या अंतर है? नहीं हमारे वहाँ, हमारे वहाँ के रेट में जो है 50% का डिफरेंस कम रहेगा बहुत ज़्यादा। रिटेल लेता है हम लोग, होलसेल। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पैकेजिंग वगैरह सब लोग लेके जाने के लिए सब लोग खरीद रहे हैं यहाँ से। इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर दुकानों में, अलग अलग जगह से सभी लोग आए हैं, सभी लोग व्यस्त हो गए हैं पटाखे वगैरह देने में। कोरी की पटाखा मंडी बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकान है, आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत से सारे लोग यहाँ पर खरीदारी करने आए हुए हैं पटाखों की, अपने घरों के लिए, अपनी दुकानों के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट है पटाखों की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भीड़ होने ही वाली है। लेकिन अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन अभी जैसा आप सभी लोग जैसे जैसे नज़दीक आएगी दिवाली और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो होपफुली अगर आप सभी लोग पटाखे लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर जाएं, वरना भीड़ हो जाएगी तो और भी हो सकता है महंगे हो जाएं पटाखे, क्योंकि डिमांड जिस तरह होगी भाई उसी तरह के भाई पता है प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। सो आज का वीडियो यही पूरा रहा, और भी बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, दिवाली की और भी मैंने वीडियोज़ दिखाई हैं पूरा। अगर आप सभी लोग एक व्यापारी की तरीके से या आप रिटेल में जाके बेचना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा, किस शॉप से को खरीदना चाहिए, सब कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इसमें एक वीडियो मैंने बनाई है, तो उसको वीडियो जाके देख लें। सो ये रही आज की पूरी वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी होपफुली कोशिश करूंगा जवाब देने की। और जस्ट आपके सामने दो वीडियो आ रहे हैं, इन भी दिवाली से रिलेटेड वीडियो है, तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।